डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स विद आउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट वाला हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। क्वेश्चन एग्जांपल हमारे पास गिवन है, गिवन N1 इज इक्वल टू 2 एंड N1 यानी के फर्स्ट पॉपुलेशन 2, 7, 9 एंड 10 एंड 2 सेकेंड सैम्पल इज इक्वल टू 2 एंड N2 सेकेंड पॉपुलेशन इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 7। Draw all possible samples without replacement. Find mean and variance of the sampling distribution x bar 1 minus x bar 2. Also find mean and variances of both the populations and verify the results. क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने सैंपल ड्रा किया था, सेम एज इट इज वैसे ही सैंपल इसमें ड्रा करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन इसका। पॉपुलेशन वन हमारे पास जो फर्स्ट पॉपुलेशन है वो पुट आउट कर देंगे, सैंपल साइज हमारे पास N1 2 है वो लिख देंगे, ऑल पॉसिबल सैंपल्स N कैपिटल N कॉम्बिनेशन स्मॉल N, ये ओवर मैंने लिखना, ये है कैपिटल N कॉम्बिनेशन स्मॉल N, पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट्स में इसको लिखेंगे। तो कैपिटल N आपके पास है 4, फर्स्ट पॉपुलेशन 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं इसके, 4 यूनिट्स हैं पॉपुलेशन के, वो 4 लिख दिया। और N हमारे पास क्या है, ये है 2 पुट कर देंगे, 4C2 कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें, 6 हमें कितने सैंपल ड्रा करने हैं, 6 सैंपल्स। इसी तरह सेकंड पॉपुलेशन है 3, 4, 5 एंड 7, सैंपल साइज N2 हमारे पास 2 है, लिखेंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट का फार्मूला है N कॉम्बिनेशन N, 4C2, ये भी 6 ही सैंपल ड्रा होंगे। पहले फर्स्ट पॉपुलेशन के सैंपल ड्रा करते हैं, वेरी इजी, प्रैक्टिस की है आपने, पहले भी हमने कई क्वेश्चंस में ड्रा किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वेरी इजी करते हैं इसको। 2 के हमने सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 2, 7, 2, 9, 2, 10, 2, 10, आगे फर्दर कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 वैनिश हो गया, एलिमिनेट हो गया, अब 7 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, 7, 9, 7, 10 और 10 के आगे कुछ नहीं है, तो 7 भी एलिमिनेट हो गया और आखिरी कौन सा हो जाएगा, 9, 10, 9, 10। इसके बाद इनके मीन फाइंड करेंगे x बार 1, 2 प्लस 7, 9, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 9 को 2 पे डिवाइड करें, 4.5 आंसर आता है, तो हमने इसको डेसिमल में नहीं लिखना, डेसिमल में चूंकि राउंडिंग होती है तो 1 डेसिमल प्लेस तक फिलहाल राउंडिंग आ रही है, आगे 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस तक भी हो सकती है। जब हम राउंडिंग करते हैं तो हमारे एंड पे जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आती, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। 9 प्लस 2, 11, डिवाइड भी 2 पे करेंगे, 2 वैल्यूज 11/2, 12/2, 16/2, 17/2 और 10 प्लस 9, 19/2, इसको एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद है सेकेंड पॉपुलेशन, वो ड्रा करेंगे, 3 के सबके साथ कॉम्बिनेशन में आएंगे, 3, 4, 3, 5, 3, 7, इसी तरह 4, 5, 4, 7 और इसके बाद 5, 7 सैंपल ड्रा कर लिए, इन्हीं के भी मीन फाइंड कर लेंगे, 3 और 4, 7/2, 5, 3, 8/2, 7, 3, 10/2 और इस तरह। इन सबको भी हमने फ्रैक्शन में लिखना है, इनको डेसिमल प्लेसेस में, हम डेसिमल पॉइंट में हरगिज नहीं लिखना। इसके बाद हमने डिफरेंस टेबल फाइंड करना है, लिखा हुआ डिफरेंस x bar 1 minus x bar 2 टेबल, यहाँ x bar 1 लिख लें, x bar 2 लिख लें, चाहे यहाँ x bar 2 लिख लें, चाहे यहाँ x bar 1 लिख लें, डजंट मैटर, लेकिन हमने फाइंड x bar 1 में से x bar 2 का ही टेबल बनाना है, यानी कि x bar 1 की सारी वैल्यूज में से x bar 2 की वैल्यूज माइनस करनी है। ये x bar 1 जो फर्स्ट हमारे पास मीन निकला है सैम्पलिंग का, ये देखें 9/2, वही 9/2 पहले लिख लेना, फिर 11/2 है तो 11/2, 12/2 है इधर भी 12/2, 16/2 है 16/2, 17/2 इधर भी 17/2 और इधर 19/2 तो इधर भी 19/2 लिख लेंगे। इसी तरह से x/2 जो जितनी x/2 की वैल्यू सारी इसी तरह आपने रिस्पेक्टिवली तरतीब से ही लिख लेनी है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें हमने क्या करना है, हमने इनको x bar 1 में से x bar 2 को माइनस करना है, 9/2 में से माइनस करेंगे 7/2, आंसर आएगा 2/2, 11/2 से माइनस करेंगे 7/2, आंसर आएगा 4/2, 12/2 से 7/2 माइनस करेंगे 5/2, 16/2 में से 7/2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9/2, 17/2 से माइनस करेंगे 7/2, 10/2, 19/2 से माइनस करेंगे 7/2, 12/2, इसी तरह हमने फिर 9/2 से अगेन अब 8/2 को माइनस करना है, ये वैल्यू सारी लिखेंगे, ये सारी वैल्यूज में से 8/2 माइनस करके ये लिख देंगे,
और फिर ये सारी x बार 1 की वैल्यूज में से 10 बाई 2 को माइनस करके ये लिख देंगे, x बार 1 की सारी वैल्यूज में से फिर हमने 9 बाई 2 को माइनस करके ये लिख लेनी है, फिर x बार 1 की सारी वैल्यूज में से 11 बाई 2 को माइनस करके ये सारी वैल्यूज निकलेनी है, फिर x बार 1 की सारी वैल्यूज में से हमने 12 बाई 2 को माइनस करके ये वैल्यूज लिख लेनी है। स्टूडेंट्स जब हमने डिफरेंस टेबल कैलकुलेट कर लेना है एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस करके टेबल बना लेंगे, तो नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर है, नेक्स्ट स्टेप है, वो हमने फाइंड करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। ये आपने लाजमी ऊपर हेडिंग देनी है, जैसे ये डिफरेंस एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू टेबल ये लाजमी लिखना है, तो ये भी ऊपर आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद ये हमने एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू लिखेंगे इज इक्वल टू डी। एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू को हमने किसके इक्वेट कर दिया है, डी के। अब जहां डी आएगा तो वो इससे यही मतलब होगा कि इसके किसके बराबर है, यानी किसकी जगह पे x बार 1 माइनस x बार 2 ही है, उसकी जगह हम d लिखेंगे। अब ये है कि हमने इस टेबल में से सबसे जो छोटी वैल्यू है वो लिखनी है, सबसे छोटी हमारे पास वैल्यू है 3 बाई 2, माइनस वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 3 बाई 2 वो लिख देंगे, उससे बड़ी है 2 बाई 2 वो लिख देंगे, उससे बड़ी है माइनस 1 बाई 2 वो लिख देंगे। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने सबसे छोटी वैल्यूज को लिख लेना है, इसे तरतीब से लिख लें इसको। उसके बाद आपने लिख लेना है 0 बाई 2, इसी तरह फिर 1 बाई 2 है, फिर 2 बाई 2, 3 बाई 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहां तक लिख लेंगे, तरतीब से सारी लिख ली। अब हमने इसमें से टेबल में से देखना है कि 3 माइनस 3 बाई 2 कितनी दफा अपीयर हुआ है, तो वो सिर्फ एक दफा ही अपीयर हुआ, उसके सामने हम 1 लिख देंगे। माइनस 2 बाई 2 ये एक दफा ही अपीयर हुआ है, माइनस 1 बाई 2 टू टाइम्स अपीयर हुआ है, 0 3 टाइम्स, 1 बाई 2 3 टाइम्स। सो इसी तरह हमने सारी वैल्यूज यहां से चेकआउट कर लेनी कि कितनी कौन सी वैल्यू कितनी दफा रिपीट हुई है। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू ये माइनस 3 बाई 2 चूंकि टैली मार्क्स में 1 दफा है 1 टाइम्स आया तो इसको हमने 1 लिख देना है, माइनस 2 टाइम 2 बाई 2 भी 1 टाइम आया है तो इसको भी 1 लिख देंगे, माइनस 1 बाई 2 2 टाइम्स अपीयर हुआ है तो इसको 2 लिख देंगे, 0 बाई 2 3 टाइम्स अपीयर हुआ इसके सामने 3। तो ये फ्रीक्वेंसी हम सारी लिख लेंगे और ये किसके बराबर इसका टोटल आना चाहिए 36। तो क्योंकि हमारे टेबल के अंदर कितनी वैल्यूज हैं 36 ये अर्थमेटिक में इनकी वैल्यूज आई हैं x बार 2 की और x बार 1 की भी 6 है, तो 6 टाइम्स कितना होता है 36। तो 36 ही हमारा ये टोटल होना चाहिए, ये इसकी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट में भी, साइज 3 और साइज 2 में भी कर चुके हैं। ये अब टेबल आपको बनाना आता है, आपको मीन और वेरियंस भी कैलकुलेट करने आते हैं, तो मीन एंड वेरियंस ऑफ x बार 1 x बार 2 लिखेंगे, तो इसका फार्मूला लिखेंगे मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू डी। डी किसके बराबर है एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, मीन किसका फाइंड करना हमने एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू, तो जहां पे डी है समझे वहां पे एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू ही है, तो इसका फार्मूला है सम ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी। जो डी है इसको किससे, ये जो डी हमारे पास है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ डी से, डी को एफ ऑफ डी से, और इसका सम करना है, डी को एफ ऑफ डी से हमने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को और f से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। जैसे माइनस 3 बाई 2 को 1 बाई 36 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3, 2 36 से मल्टीप्लाई हुआ तो 72, इसी तरह माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 और 2 36 से हुआ तो 72, इस तरह माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 और 2 36 से हुआ तो 72। सो इसी तरह आपने ये सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है एंड पे इनका सम करना है, वो आएगा 162 बाई 72। तो इधर पुट आउट करेंगे हम 162 बाई 72, आंसर आ जाएगा 9 बाई 4। इसको भी हमने फ्रैक्शन में ही रखना है। फिर एक बात बता दूं, याद रखना है आपने कि इसमें कोई भी आपका आंसर डेसिमल प्लेसेस में ना हो, बल्कि इसको आपने फ्रैक्शन में ही रखना है। तो मीन की वैल्यू हमारे पास आई 9 बाय 4। तो यहां तक आपने एक और काम करना है कि वेरिफिकेशन करनी है। थोड़ी सी पहले आपने एक पेज पे अलहदा से ये जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो किसी और पेज पे मीन एंड वेरियंस पॉपुलेशंस के, चूंकि ये तो हमने कैलकुलेट करने ही है क्वेश्चन में, तो अलहदा से ये पहले कैलकुलेट कर लें मीन एंड वेरियंसिस ऑफ पॉपुलेशन। एक्स वन जो आपको फर्स्ट पॉपुलेशन थी वो थी 2, 7, 9 एंड 10, और एक्स वन स्क्वेयर इन्हीं के स्क्वेयर सामने लिख के टोटल कर लेंगे। एक्स टू सेकेंड पॉपुलेशन 3, 4, 5 एंड 7 थी वो लिखी है, और उनके स्क्वेयर करके एक्स टू स्क्वेयर की, तो ये सामने वैल्यूज लिख लेंगे टोटल कर लेंगे। अपने म्यू वन फाइंड करना है विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वन ओवर एन वन।
सम ऑफ एक्स वन 28 डिवाइडेड बाय एन वन, एन कितना था 4, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज हैं, तो इसको डिवाइड किया 28 को 4 पे तो इट इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हमने क्या करना है, म्यू टू कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स टू, एक्स टू का सम किया 19 डिवाइडेड बाय 4, तो म्यू टू आ गया 19 बाय 4। हमने इनको फ्रैक्शन में ही रखना है, डेसिमल प्लेसेस में नहीं, जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वो तो ठीक है लेकिन डेसिमल प्लेसेस में नहीं रखना आपने। अब देखें हमारी वेरिफिकेशन में होता है कि जो म्यू डी होता है यानी कि म्यू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू बराबर होता है म्यू वन माइनस म्यू टू, यानी कि म्यू वन माइनस म्यू टू। अब 7 माइनस 19 बाई 4 ये करें तो ये भी आता है 9 बाई 4। अगर आपका यहां तक क्वेश्चन ठीक है तो इसको फिर आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम चेक करेंगे कि हमारा गलती कहाँ हुई हमारी और इसको दोबारा करेक्ट करेंगे। तो ये हमने फाइंड कर लिया मीन, अब इसके वेरिएंस फाइंड करते हैं, सिग्मा स्क्वायर डी यानी कि सम ऑफ डी स्क्वायर एफ ऑफ डी माइनस सम ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, डी का स्क्वायर करना है, उसको एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई करना है, डी का स्क्वायर करना है 9 बाई 4। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 बाई 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 36 से। जब 9 1 से मल्टीप्लाई होगा 9 और 4 36 से मल्टीप्लाई हुआ तो 144, 4 बाई 4 इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 ओवर 144। तो इस सब वैल्यूज की आपने स्क्वायर करने हैं और इनको एफ एफ डी से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी कैलकुलेट होके। तो इनका टोटल कर लें, ये है 1290 डिवाइडेड बाय 144। तो पुट करेंगे सम ऑफ डी स्क्वायर इनटू एफ ऑफ डी, ये हमारे पास आया सम ऑफ डी स्क्वायर एफ ऑफ डी का टोटल है 1290 डिवाइडेड बाय 144 यहाँ पे पुट करेंगे और उसके सामने माइनस करेंगे सम ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी, सम ऑफ डी एफ ऑफ डी ये 162 डिवाइडेड बाय 72 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 187 ओवर 48। इसके बाद हमने ये मीन एंड वेरियंस फाइंड करने थे, चाहे आप ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सैंपल ड्रा करते हैं तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, उससे पहले अगर आप ये करना चाहते हैं तो एक छोटे पेज पे, क्योंकि ये इसके मीन एंड वेरियंस फाइंड करने काफी आसान है, क्योंकि सैम्पलिंग के जो हमने मीन एंड वेरियंस फाइंड करने होते हैं इससे पहले हमें क्या करना होता है, सैंपल ड्रा करने होते हैं, फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है उसका टेबल, और उसके बाद ये चीज कैलकुलेशन करनी है और यहाँ आके हमने मीन एंड वेरियंस फाइंड करनी है। ये तो एक लंबा प्रोसेस है तो ये फौरन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन तो हमने कैलकुलेट की है, वेरियंस भी कर लेंगे, सिग्मा वन स्केयर सिग्मा टू स्केयर इसका फार्मूला है सम ऑफ एक्स वन स्केयर ओवर एन वन माइनस सम ऑफ एक्स टू ओवर एन वन होल स्केयर। इसी तरह सिग्मा टू स्केयर का फार्मूला सम ऑफ एक्स टू स्केयर ओवर एन टू माइनस सम ऑफ एक्स टू ओवर एन टू होल स्केयर। ये हमने नोटेशन लाजमी साथ लिखनी है, जैसे यानी कि सिग्मा वन स्केयर है तो इसकी हर वैल्यू के साथ वन वन लिखना है, सिग्मा टू स्केयर तो इसकी हर एक्स की वैल्यू या एन है तो उसके साथ टू लिखना है। अब वैल्यूज पुट की, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 19 बाई 2 और ये आ जाएगा 35 बाई 16। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो हमने इसको क्या करना है, इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे रिजल्ट्स को, तो वेरिफिकेशन है फर्स्ट स्टेप। पहला इसका स्टेप है कि म्यू डी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू। म्यू डी हमारे पास आया था 9 बाई 4 इज इक्वल टू म्यू वन हमारे पास 7 है और म्यू टू 19 बाई 4 है, तो इनको माइनस किया तो ये भी 9 बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई 4। सो पहला हमारा जो स्टेप है वो वेरीफाई हो। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है कि म्यू डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर ओवर एन वन इंटू एन वन माइनस एन वन ओवर कैपिटल एन वन माइनस वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर ओवर एन टू इंटू एन टू माइनस स्मॉल एन टू ओवर कैपिटल एन टू माइनस वन। ये करेक्शन फैक्टर हमने उन क्वेश्चन में यूज करना जब सैम्पलिंग हमने विदाउट रिप्लेसमेंट करनी है, अदर विद रिप्लेसमेंट में ये यूज नहीं करते। सो वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा वन स्क्वायर है हमारे पास 19 बाई 2 ये पुट कर देंगे, एन वन 2 है, सिग्मा टू स्क्वायर है 35 ओवर 16 वो पुट करेंगे, एन टू भी 2 है, एन वन माइनस एन वन वो पुट कर दिया, कैपिटल एन वन 4 था हमारे पास क्योंकि 4 नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट्स थे वो पुट किए, स्मॉल एन वन हमारे पास 2 है वो 2 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, ये आ जाएगा 187 बाई 40 और सिग्मा स्क्वायर डी भी आया था 187 बाई 48। तो ये भी इसका भी आंसर आ गया 187 ओवर 48। तो इस तरह हमने साबित कर लिया कि सैम्पलिंग जो इसके मीन एंड वेरियंस जो होते हैं वो
पॉपुलेशन के मीन एंड वेरियंसिस के बराबर होते हैं अगर हम विदाउट में ये करेक्शन फैक्टर यूज कर लें और विद रिप्लेसमेंट में ये ना यूज करें। तो अब हमने जो सैम्पलिंग थी डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स वो भी कर ली है, उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, उसमें हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी पढ़ लिए जिसमें उनके अरिथमेटिक मीन फ्रैक्शन में आते थे तो उनको कैसे सॉल्व करना हो, जब फ्रैक्शन में ना आए और डायरेक्ट सॉल्व हो के एक कंप्लीट वैल्यू है वो किस तरह सॉल्व करना है वो भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो होप्स हो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आएगी, इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।